इंदौर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता में आज एक महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद सास ससुर एवं स्वयं की और पति की दुकान का सामान एवं गहने नहीं देने, पति की टू व्हीलर गाड़ी को बिना जानकारी दिए बेचने एवं महिला को घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। महिला सौदामिनी पति स्वर्गीय चिन्मय चक्रवर्ती ने एक दुर्घटना में अपने पति की मृत्यु के बाद सास अनुपमा चक्रवर्ती और ससुर पर यह आरोप लगाए। पीड़िता ने उक्त मामले को लेकर महिला थाने सहित अन्य शासकीय विभागों में भी शिकायत की, किंतु कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। सौदामिनी ने बताया कि दुर्घटना में वह स्वयं भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती थी। महिला ने प्रेम विवाह किया था। महिला ने अपने पति के साथ आम्रपाली कॉलोनी में फोटो स्टूडियो डाला था। 2017 में LG एकेडमी के वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑन द स्पॉट चले गए और मुझे भी बहुत, एक साइड मेरा पूरा चला गया था। मुझे भी बहुत लगी कि मुझे एप्पल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। 10:30 बजे मेरा इलाज हुआ और फिर उसके बाद मैं 28 अगस्त को ससुराल गई ठीक होके, ससुराल उनके यहाँ गई और फिर उन्होंने बहुत तकलीफ़ देना चालू कर दिया था। मेरा पूरा स्टूडियो का सामान छीन लिया, मेरे गहने छीन लिए, सब कुछ ले लिया, कुछ भी नहीं दिया और घर से निकाल दिया उन्होंने।